अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधायुक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। सागर के द्वारा बाजार स्थित देव जानकी रमण मंदिर और सामुदायिक भवन, जो कि कान्य कुब्ज वैश्य सभा की संपत्ति है, इस पर समाज के कुछ लोगों पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगा है। समाज के अध्यक्ष और मंदिर ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष ने समाज जनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक शिकायत आवेदन प्रशासन के अधिकारी को सौंपकर उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई है। प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में समाज के ही कुछ लोगों पर मंदिर कमेटी और समाज के अध्यक्ष को सूचित किए बिना मंदिर में मूर्ति की स्थापना और तोड़फोड़ का आरोप भी लगाया गया है, जिसके संबंध में प्रशासन और पुलिस में शिकायत भी समाज के द्वारा की गई है, जिस पर तहसीलदार द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया गया था, जिसकी अवहेलना का आरोप भी लगाया गया है। और समाज की बैठक में समाज के ही उक्त शरारती तत्वों ने पहुंचकर समाजजनों ने अभद्रता कर शांति भंग करते हुए विवाद की स्थिति भी निर्मित की। महिलाओं से भी अभद्रता का आरोप लग रहा है। उक्त लोग समाज के मंदिर ना सामुदायिक भवन पर कब्जा कर बैठ गए हैं, जिससे समाज के गणमान्य लोगों ने उनकी कार्यप्रणाली पर रोष है और सभी इस मामले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठा, न्याय की मांग उठा, प्रशासन के समक्ष गुहार लगा रहे हैं। किस संबंध में आप लोग यहाँ पर आए थे कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने को, और क्या मांगे हैं आपकी? हमारे समाज श्री कान्यकुब्ज वैश्य सभा का पंचायती मंदिर है, इतवारा बाजार राम प्याऊ के सामने श्री देव जानकी रमण मंदिर, इसका समाज का पंचायती ट्रस्ट भी है, काफ़ी पुराना श्री देव जानकी रमण मंदिर ट्रस्ट के नाम से इसका पंजीयन क्रमांक 109 है, काफ़ी प्राचीन है। आप सभी मीडिया कर्मियों साथियों को सबको मालूम है कि विगत लगभग 10-12 वर्ष तक हमने एक जर्जर मकान के लिए संघर्ष किया था कि ये जर्जर मकान गिरने वाला था और उसमें कुछ गरीब परिवार रहते थे, जिनके विस्थापन की कार्रवाई कर इस जर्जर मकान को गिराया जाए, और कुछ असामाजिक तत्व भी उसमें थे। प्रशासन ने इसमें काफ़ी सहयोग किया, आप सभी मीडिया कर्मियों का काफ़ी सहयोग रहा, और परिणामतः उस मकान को नगर निगम के द्वारा खाली कराकर जो गरीब थे हमने उनका पुनर्वास कराया, समाज के सहयोग से जो राशि जमा करके उनको गरीबी रेखा के अंतर्गत जो मकान उपलब्ध कराया, प्रशासन ने नगर निगम ने उसको गिरा दिया। उस जगह पर हमारे माननीय विधायक शैलेंद्र ने भी कुछ अंशदान विधायक निधि के रूप में दिया था, और शेष हमारे जो ट्रस्ट के सदस्य रहे हैं, समाज के हमारे जो सदस्य रहे हैं, समाजजनों ने अपना आर्थिक सहयोग प्रदान किया। उस जगह पर हमने सामुदायिक भवन का निर्माण करा दिया, जिसका अभी उद्घाटन नहीं किया है, उसमें नीचे 3 दुकानें भी निकाली हैं, ताकि भविष्य में मंदिर की सेवा पूजा सही तरीके से होती रहे। बाजू में ही मंदिर भी लगा हुआ है, जिसमें देव जानकी रमण मंदिर में हमारे राम दरबार की, जगदीश स्वामी की स्थापना है, और सामने छोटा सा परिसर है जिसमें भक्त लोग बैठ कर भजन कीर्तन करते हैं, हवन अनुष्ठान करते हैं, उत्सव त्यौहार मनाते हैं, सावन के झूले डालते जब हैं। इतनी सब व्यवस्थाएं, तो फिर आज आपको कलेक्टर के तक क्यों आना पड़ा, आप ये बताएं हमारे लिए। वही बता रहे, तो वहां पर अभी हमारे समाज के कुछ लोगों ने अनाधिकृत तौर पे उस छोटी सी जगह पे शिवलिंग स्थापना करा दी, जिसकी सूचना भी हमने प्रशासन को दी थी, न्यायालय तहसीलदार ने उस पर रोक भी लगाई थी, स्थगन आदेश जारी किया था, परंतु बावजूद उसके उसका उल्लंघन करके और वहाँ पर पिछले 22 तारीख को शिवलिंग स्थापना कर दी, और अब उस मंदिर के ऊपर अंदर जो नाम लिखा था हमारे ट्रस्ट का, हमारे समाज का, वो नाम भी बतवा दिया गया, और मंदिर के ताले और बाजू में जो हमारे सामुदायिक भवन पे ताले तोड़कर बदल दिए, उन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया। उसमें श्री राम कुमार गुप्ता केशवगंज, श्री हरगोविंद गुप्ता रामप्याऊ के सामने, संजय गुप्ता, अनिल गुप्ता मोहन नगर वार्ड, नारायण दास गुप्ता चमेली चौक रामबाग मंदिर के सामने, और आनंद गुप्ता भुटजी सनीचरी, ऐसे कुछ लोग उसमें शामिल हैं, और पूरा समाज इसके खिलाफ है। हमने पहले इस मंदिर को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराने के लिए लगभग 10 साल तक संघर्ष किया, आंदोलन किया, तब सफलता मिली। अब दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज के भीतर ही व्याप्त कुछ शरारती तत्वों के द्वारा ऐसा
कब्जा करके जबरदस्ती इस संपत्ति को हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए और प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर वर्तमान में अभी ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इस ट्रस्ट का अध्यक्ष मैं हूँ और पहले भी मैं अध्यक्ष रहा हूँ और मेरे ही कार्यकाल में ये पूरा संघर्ष हुआ था। समाज जनों ने हमारी लगन को देखते हुए हमको अभी पिछले 6 अगस्त को फिर से सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना था और उस चयन की कार्रवाई में ये उपर्युक्त लोग भी शामिल थे और आज ये कब्जा करने की नीयत से एकदम खिलाफ हो गए। और कल समाज की जब कार्यकारिणी की बैठक वहाँ गठन की बैठक रखी थी इतवारा बाजार में ही मंदिर परिसर में और समाज की पूरी बैठक हुई, उसमें कार्यकारिणी की घोषणा की गई, बाद में ये चारों पांच लोग आके उस पर उत्पात मचाया, समाजजनों को अपमानित किया, गाली गलौज की। हम चूंकि शांति भंग करने ही वो आए थे परंतु हम उनके इरादे समझ रहे थे, हम शहर की शांति को भंग नहीं करना चाहते थे। मंदिर का ताड़ा तोड़े गए, उपद्रव मचा गए, तो पुलिस से आपने सूचना नहीं दी गई? हम उसी की कार्रवाई करने यहाँ पर आए। कल जब बैठक हम लोगों ने की तब हम लोगों को ये जानकारी मिली, सीधे कलेक्टर साहब के पास। इसके पहले पुलिस थाना संबंधित जानकारी दी गई क्या? उसके पहले जब वो मूर्ति स्थापना कर रहे थे तब भी हम लोगों ने माननीय मोती नगर थाना प्रभारी को भी लिए सर धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया। हम लोग महिलाएं के बाहर कर दिया गया। कल क्या हुआ था जो वहाँ पर बैठक हुई? कल हम लोग बैठक कर रहे थे तो हम लोग बैठे थे, तीन ही चार ही जने मिल के आके और हाथ उठा उठा के और हम लोगों को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। ये कौन लोग थे? अनिल, हरगोविंद, सनीचरी वाले, आनंद, आनंद, राम कुमार। अब आप क्या चाह रही हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जो उनने ताला टोला है उसका निर्णय हो, उनने क्यों टोला। सारी समाज का पैसा है, बाहर की समाज का भी है और सबके सहयोग से सर मिला है और बड़ी मुश्किल से मिला। लोहार खाली नहीं कर रहे थे तो हमारों ने चढ़ चढ़ के दीवाले गिराई फटकी और हमारों के लिए धक्का मार के क्यों निकाल रहे थे। क्या ये बलचस्प की लड़ाई हो रही है कि पैसे को लेकर लड़ाई है? पैसा को नहीं, कब्जा के लिए। पैसा को क्या करना है, मंदिर का है भाई, तुम भी आप भी उपयोग करो, हम लोग भी जैसे तुम्ही के घर भी करें। आपका आपका सब नाम क्या है? हमारा नाम लक्ष्मीबाई गुप्ता। ट्रस्ट में आप भी कुछ पद पे हैं क्या? महिला सदस्य हैं। किस पद पे हैं? संरक्षक हैं। किस पद पे हैं आप? संरक्षक हैं ये और उपाध्यक्ष। एक रहे करके आप किस पद पे हैं? मैं महिला सभा अध्यक्ष हूँ। ये क्या मांगे हैं आपकी कलेक्टर के पास आज आप लोग? कार्यकारिणी सदस्य हूँ, महिला सभा अध्यक्ष। नहीं, अभी आज कलेक्टर के पास आप गुहार लगाने आई हैं पूरी समाज के द्वारा, क्या मांग कर रही हैं वो? मांग यही है मेरी कि एक नहीं होते हैं और पूरे समाज को उनने तितर बितर कर दिया है और हमारे जो भवन में सामुदायिक भवन जो बनाया है विधायक निधि से पूरी समाज की सहायता से, उसके ताले वगैरह इत्तला किए, उसके ताले वगैरह तोड़ दिए हैं। आपने इसकी सूचना थाने में दी थी? इसकी सूचना हम लोग को कल पता चली, वहाँ बैठक करने गए हम लोग, देख रहे हैं पूरे एक ही परिवार के लोग हैं।